तो दोस्तों, जहां एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से पूरे संसार का क्रिकेट बंद चल रहा है, वहीं दूसरे तरफ 22 जून से स्विट्जरलैंड टी10 लीग शुरू होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, 22 जून से स्विट्जरलैंड टी10 लीग शुरू होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में आपको इस लीग से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले हैं। इस लीग का शेड्यूल बताएंगे, ये भी बताएंगे कि यह लीग कब से स्टार्ट होगा, कितने मैचेस खेले जाएंगे, कौन कौन सी टीम्स हैं, कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, साथ ही साथ इस लीग का लाइव टेलीकास्ट कहाँ होने वाला है। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हो क्रिकेट के फैन, क्रिकेट की वापसी का कर रहे हो बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको क्रिकेट से रिलेटेड सभी वीडियोज की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप टॉस और मैच का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो एक बार ऑल इन वन क्रिकेट प्रिडिक्शन के साथ कांटेक्ट जरूर करें। उनका नंबर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, साथ ही साथ इनका नंबर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको सभी मैचों का बिल्कुल 100% गारंटी के साथ प्रिडिक्शन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि स्विट्जरलैंड टी10 लीग को यहाँ पर यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क और स्विट्जरलैंड क्रिकेट बोर्ड आपस में मिलकर कंडक्ट करवा रही है, और इस लीग का स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन है। तो ऐसे में आपको यह लीग ड्रीम इलेवन पर भी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद गाइस, हम बात कर लेते हैं इस लीग के शेड्यूल के बारे में। तो इस लीग का पहला मुकाबला 22 जून को खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 26 जून को खेला जाएगा। तो टोटल 5 दिन यह लीग चलने वाला है। इन 5 दिनों के दौरान 20 मैचों के शेड्यूल किया गया है, जहां पर प्रतिदिन 4 मैचेस का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद हम आपको मैचों की टाइमिंग के बारे में बताएंगे कि मैचेस कितने बजे से स्टार्ट होंगे। सो गाइस, एक दिन में 4 मैचों का आयोजन किया जाने वाला है। तो ऐसे में दिन का पहला मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, दूसरा मैच दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगा, तीसरा मैच दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगा, जबकि चौथा मैच शाम 4 बजे से स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं टीम्स के बारे में। तो इस लीग में टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। सभी टीम्स यहां पर लोकल टीम्स होने वाली है, सिटी के नाम पर उनके नाम रखे जाएंगे। जैसे स्विट्जरलैंड में जो बड़े शहर हैं उनके नाम पर सभी टीम्स के नाम रखे जाएंगे। टीम्स अभी कन्फर्म नहीं हो पाई है, लेकिन 6 टीम खेलने वाली है, उनके नाम अभी कन्फर्म नहीं हो पाया है। स्क्वाड के बारे में बात करें तो गाइस, अभी किसी भी टीम का स्क्वाड कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन एक बात आपको बता दें कि इस लीग में यूरोप के बड़े प्लेयर्स खेलने वाले हैं, यह बात कंफर्म मानी जा रही है। हालांकि अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है, तो जैसे स्क्वाड पर कोई अपडेट आता है वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इस लीग का लाइव टेलीकास्ट कहां होने वाला है। तो दोस्तों, इस लीग का लाइव टेलीकास्ट यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क चैनल पर होने वाला है, साथ ही साथ इंडिया और सब कॉन्टिनेंट पर आप इसको फैन कोड एप्लीकेशन पर भी देख सकते हो। तो फैन कोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फैन कोड एप्लीकेशन पर इस लीग का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। तो गाइस, वीडियो फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस लीग को देखोगे या नहीं, आपका क्या मानना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।